हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ, यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आउट हो चुकी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए, आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इसका फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म का जो अप्लाई डेट रहेगा 21 अक्टूबर एंड लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा 19 नवंबर 2023। मतलब कि 21 तारीख से लेके 19 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। रैली का भी डेट अनाउंस कर दिया गया। रैली में आपका पीईटी एंड पीएसटी, मतलब कि आपका रनिंग प्लस जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वो सब कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका जो रैली का डेट है वो अनाउंस किया गया 18 दिसंबर 2023। मतलब कि आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद से। और बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी कर रहे होंगे, जिनको डिफेंस में जाना है वो हमेशा अपने फिजिकल को कंटिन्यू रखते हैं, वैकेंसी आए ना आए। और फॉर्म की जो फी रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट के रिगार्डिंग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 200 रुपीज लिया जाएगा। ग्रुप सी के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज लिया जाएगा। और अदर कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे किसी भी कैटेगरी से, उनसे कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएगी। रही बात की एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, तो वो मैं पोस्ट वाइज आपको एज बताऊंगी कि कितना से कितना एज किस पोस्ट के लिए वैलिड है। आपका जो एज कैलकुलेट होगा एज ऑन 1st अगस्त 2023। रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को 3 इयर्स एंड एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है और पोस्ट वाइज एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। आपका फर्स्ट पोस्ट है प्लम्बर के लिए, जिसका आपका मिनिमम एज है 18 इयर्स, मैक्सिमम 23 इयर्स। लाइनमैन फील्ड के लिए भी सेम ही एज रहने वाला है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 23। सर्वेयर आईटीआई के लिए मिनिमम 20, मैक्सिमम 28 इयर्स। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 इयर्स। पर्सनल असिस्टेंट का भी 18 to 25 रहेगा। ड्राफ्ट्समैन के लिए भी 18 to 25 इयर्स रहेगा। एक्सरे असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 23 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। ब्रिज एंड रोड, मतलब मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों का पोस्ट रहेगा, 18 to 23 इयर्स इसका भी एज लिमिट रखा गया है। रिलीजियस टीचर, विच मीन्स कि धार्मिक शिक्षक की भी इसमें आई है वैकेंसी, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम आपको 30 इयर्स रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल के लिए आपका मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 इयर्स एज की लिमिट रखी गई है। सो आई होप कि आपने देख लिया होगा कि किन किन पोस्ट पे आ रही है, मतलब टोटल 10 आपका पोस्ट पे वैकेंसी है, एज लिमिट भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं सिलेक्शन की क्या प्रोसीजर यहाँ पे रखी गई है। योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 5 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पीईटी एंड पीएचटी, जैसा कि आपको पहले बताया है कि पहले आपका रैली होगा जिसमें फिजिकल होगा आपका, उसके बाद आपका रिटन पेपर होता है, ऑफलाइन होता है, और उसके बाद आपका रहेगा स्किल टेस्ट, देन होगा आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपका जो फिजिकल होगा उसमें क्या सब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रहने वाली है। आपके फिजिकल जो इफिशियंसी टेस्ट होगी उसमें आपका रनिंग होगा 5 किलोमीटर का, मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर in 24 मिनट्स कंप्लीट करना होगा। लद्दाख रीजन के मेल्स को 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स के लिए जो होगी 1.6 किलोमीटर की होगी, 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल फ्रॉम लद्दाख रीजन्स के लिए यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग होगी, 5 मिनट में उनको कंप्लीट करना होगा। आगे जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पर आपको जो फीमेल्स होती हैं उनका मिनिमम बस हाइट आपको मेजरमेंट होता है, और मेल्स के लिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पोस्ट वाइज हाइट एंड चेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। एक्सरे असिस्टेंट, प्लम्बर, सर्वेयर, आईटीआई, लाइनमैन फील्ड, रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल के लिए हाइट जो है जनरल एंड अदर्स का 170 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट्स 162.5 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट रहता है 80 to 85 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 76 to 81, बाकी सबके लिए ये रहेगा 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे खोजा जाएगा।
उसके बाद इसको क्वालिफाई करते हो आप, तो आपका होता है क्या, एग्जाम। तो चलिए हम लोग एग्जाम की पैटर्न समझ लेते हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स के लिए टाइम मिलेंगे आपको 2 आवर्स के। सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। मतलब ओवरऑल आपका 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर के लिए समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। आई होप कि एग्जाम की पैटर्न समझ गए होंगे। उसके बाद बाकी का प्रोसीजर कंप्लीट करोगे तो आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें टोटल सीट्स कितना आया है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1200 के अप्रॉक्स सीट्स आने वाली है। ज़्यादा सीट अनाउंस की गई थी, बट अभी सीट जो है ना थोड़ा सा कम आया है, तो मैं बता देती हूँ टोटल पोस्ट क्या रखा गया है। तो आपका इसके लिए जो सीट्स निकल के सामने आए 161 है। आई नो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मायूस हो गए होंगे, बट आपको 161 नहीं, सिर्फ 1 सीट को मान के आपको चलना है कि 1 सीट आपका हो जाए। अपनी फिजिकल अच्छी रखो, आप तैयारी भी करो। जनरली ज़्यादा टफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसके। और अगर कहीं पे भी कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। टेलीग्राम चैनल पे ना मैं इस जॉब की नोटिफिकेशन को वहां पर पोस्ट कर दूंगी, आप जाके वहां अच्छे से देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक कर देना, फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में इन्फॉर्म करना, शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट करना, ताकि मेरी सारी फ्रेश जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।